गोयल नर्सिंग होम इधर आ गए, तो दवाई लेने के बाद में अचानक से तबीयत खराब हो गई, ब्लीडिंग रुक गई, दर्द बढ़ गया काफ़ी। तो मैंने देखी दवाई ववाई, तो उन्होंने देखा कि उसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट और ये प्रिंट MRP प्रिंट सब घिसे हुए थे, मिटे हुए थे। तो मैंने उनको एक मोबाइल नंबर लिख रखा था इस पर अल्ट्रासाउंड के, उस पर मैंने देखा कि उस पर फ़ोन किया, उन मैंने कहा कि गोयल नर्सिंग होम से बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि ये एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दे रखी हैं तुमने, ऐसा क्यों? उन्होंने उनको जान गया था क्योंकि जानबूझ कर दी थी वो, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा गलती से चली गई, इनको दे जाना मुझे गुफरान। क्या हुआ था आपके साथ, क्यों SDM कोर्ट आए हुए? एक्चुअल में कल मैं तो चला गया था, भाई आ रहा था मंदिर से अलवर, अलवर चला गया, तो उसके बाद में मेरी पत्नी थी गर्भवती, तो उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई मेरे जाने के बाद में, तो मम्मी और मेरा छोटा भाई लेके उसको आ गए पुनाणा। पुनाणा में वो आए नर्सिंग, ये नर्सिंग है ना, गोयल नर्सिंग होम इधर आ गए। उधर उनको डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उन्होंने देख के जो भी उनको दवाई ववाई दी, दवाई देने के बाद में 1800 रुपये दवाइयों के लिए और 900 रुपये ले लिए अल्ट्रासाउंड के। उसके बाद में पर बिल वगैरह कुछ नहीं दिया, दवाई दे दी, दवाइयों का तरीका बता दिया कि ऐसे ऐसे लेनी है, एक हफ्ते बाद फिर दोबारा आना। तो दवाई ले जाने के बाद में शाम को जैसे दवाइयों का टाइम हुआ तो दवाई ली उन्होंने, तो मैं पहुंच गया घर, तो दवाई लेने के बाद में अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, ब्लीडिंग रुक गई और दर्द बढ़ गया काफ़ी। तो मैंने देखी दवाई ववाई, तो उन्होंने देखा कि उसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट और ये प्रिंट MRP प्रिंट सब घिसे हुए थे, मिटे हुए थे। तो मैंने उनको एक मोबाइल नंबर लिख रखा था इस पर अल्ट्रासाउंड के, उस पर मैंने देखा कि उस पर फ़ोन किया, उन मैंने कहा कि गोयल नर्सिंग होम से बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि ये एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दे रखी हैं तुमने, ऐसा क्यों? उन्होंने उनको जान गया था क्योंकि जानबूझ कर दी थी वो, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा गलती से चली गई, इनको दे जाना मुझे, मेरी की गलती है, और यहाँ मौत और ज़िंदगी का सवाल हो रहा है और तुम्हारी गलती का लग रहा है। तो मैंने कहा कि उनको मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, उसने बिल्कुल सहजता से ऐसे जब मना किया कि ठीक है जो कुछ करना है कर लेना, उनके जो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इस तरह से मना करके फ़ोन काट दिया, अभी तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर अब तबीयत कैसी है आपकी वाइफ? तबीयत तो अभी ब्लीडिंग रुकी हुई है, अभी उसको कुछ घर पे ही दिया है, गुड़ का पात वगैरह और कांस और बांस उसमें गुड़ के पात में पका के दिया है अभी। तो आप... मैं तो सुबह का यहीं आया हुआ हूँ, तो अभी पता चलेगा कैसी तबीयत है कैसी नहीं। अभी मैंने पूछा था कि ठीक है, उस हद से थोड़ी थोड़ी चालू हो गई है ब्लीडिंग। अच्छा, आप लघु सचिवालय आए पुनाणा, किसके पास आए? SDM साहब को मैं दरखास्त देने आया हूँ। अच्छा, आपने थाने में कोई शिकायत वगैरह? नहीं नहीं, थाने में कोई शिकायत नहीं की, उसके बाद में CMO मांडीखेड़ा के पास में जाऊंगा दरखास्त। अच्छा, मांडीखेड़ा। अगर यहाँ भी नहीं होती है तो फिर मैं CM विंडो में लगाऊंगा। चाहना क्या है इसमें, कानून अपनी सख्त कार्रवाई करे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, इनका लाइसेंस रद्द करे, ऐसे तो आए दिन कितनों के साथ कर रहे होंगे, ये क्या पता। कोई रिसीव वगैरह जब आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया उन्होंने, रेप्लिका एडमिट वगैरह के रिसीव? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो अल्ट्रासाउंड है मेरे पास, दवाई है जो ये, क्योंकि सबके साथ ही ऐसा हो रहा है इधर, तो जैसे दवाई लेते हैं रेप्लिका कागज पे एक दवाई लिख देते हैं, इनको ले ले और बस, वो लेके और पैसे दे, पैसे लेके नहीं चाहो भाई दवाई लेके बस, और बिल कौन दे रहा है इधर, और नई बिल लेते हैं कोई।